है कि अपने राज्य में ही अपने राज्य के अधिकारों के लिए राज्य की सड़क पर आंदोलन करना पड़ता है, ये बहुत दुखदायी है। जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर झारखंड बत्तीस खतियान को लेकर धरना प्रदर्शन अभी तक जारी है। और कल यहां पर लोबिन हेमरम जी और गीता श्री ओराव जी भी आए थे और आज मथुरा मेहतो जी भी पहुंचे हैं। अब देखते हैं, कल तो इन लोगों ने अनशन नहीं तोड़ा, अब आज देखते हैं कि ये लोग अनशन तोड़ते हैं या नहीं। जुड़े रहे हमारे साथ। हम नारियल पानी पिला के अनशन तोड़ने के लिए हमने कहा था, आप लोगों ने कहा था कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे और ज़्यादा नहीं, यहाँ नहीं आएंगे तो हम लोग दो चार आदमी जाएंगे और मुख्यमंत्री हम लोगों को कुछ आश्वासन दे। और इसीलिए मैं इन्हें कहा था कि मैं उन लोगों से बात कराऊंगा और आज जा करके विधानसभा में मुख्यमंत्री के साथ जो रहते हैं पिंटू जी, मैंने पिंटू जी को कहा कि अभी वहाँ आंदोलनकारी हैं, उन लोगों का चाहत है कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बात क्या होगा नहीं होगा लेकिन हम लोग मिलना चाहते हैं। इसलिए आप मुख्यमंत्री जी को कहें कि भाई कम से कम ज़्यादा नहीं तो तीन चार लोगों को प्रतिनिधिमंडल आएंगे और बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात करेंगे और अंत तक लास्ट तक भी हम बोलते रहेंगे शाम शाम में भी, लेकिन वो ऐसा कोई फलाफल नहीं निकला। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है अभी हम लोग हैं, आप लोगों के साथ हैं और हम लोग फिर कल परसों फिर हम लोग फिर बात करेंगे। भाई बात करने में क्या लगा हुआ है, आप मानो या ना मानो लेकिन बात करने का तो मौका दो लोगों को, वो अपने ही लोग, कोई दूसरे लोग थोड़े हैं। तो ठीक है हम लोग, आपसे मेरा निवेदन होगा, कल भी मैं यही बोला था कि चलिए हम लोग अनशन तोड़े। फिर ये तो अभी हम लोगों का मैंने शुरू भी नहीं हुआ, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिस दिन शुरू होगा फिर आगे का कदम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा ये आंदोलन, इसको ऐसे थोड़े छोड़ना है हम लोगों को। यहाँ जल जंगल जमीन की बात हम लोग करते हैं, आश्चर्य नीति की बात करते हैं, नियोजन नीति की बात करते हैं, CET SPT एक्ट की बात करते हैं, जो जो हम लोगों का बहुत बड़ा बचाव कवच है, इसलिए इस पर हम लोग छोड़ना नहीं है। आप प्लीज़ कृपया, आप लोग बहुत दिन हो गया और ये देखा नहीं जा रहा है, हमको दिल से भी अच्छा नहीं लग रहा है, आज कृपया आप लोग ये करें, इसके बाद फिर बाद में जैसा होगा देखा जाएगा, हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं कल बोला कि अपने ही घर में हम लोग भीख मांग रहे हैं, तो कोई जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है। ठीक है कल हम लोग फिर प्रयास करेंगे उनसे बात करेंगे। ठीक है, तार जिन मामलों को लेकर ये यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे, हमारा प्रयास लगातार चल रहा था, सदन के माध्यम से भी हमने सरकार के समक्ष इस बात को संज्ञान में लाया था। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, माननीय मथुरा बाबू लोबिन बाबू लगातार मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, निश्चित रूप से हम लोग शीघ्र जो ये तीरथ जी हैं, विकास जी और उनकी पूरी टीम के जो नेतृत्व करता उनके साथ हम लोग शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें ये अनशनकारी के नेतृत्व करता रहेंगे, माननीय मथुरा बाबू रहेंगे, लोबिंदा रहेंगे, हम रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। और इन लोगों की जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उन सारे मांगों को जिनको लेकर आज पूरे राज्य में सदन से बाहर कहें, सदन के अंदर कहें, इन सारे मामले सदन में आ रहे हैं, सदन में सरकार का भी आश्वासन आ रहा है, मुख्यमंत्री जी का भी आश्वासन आ रहा है और जिन मुद्दों को लेकर ये यहाँ पर अनशनकारी आंदोलन कर रहे हैं, सारे विषयों को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे और ये शीघ्र करेंगे और इसी आश्वासन और इसी सकारात्मक आश्वासन के साथ ही अनशन खत्म हो जल्द ही करेंगे। आज हमारे जो तीन माननीय विधायक जी यहाँ पर आए हैं, लंबोदर महतो जी, लोबिन हेमरम जी और जगन्नाथ महतो जी, सॉरी मथुरा महतो जी, और जो इतने दिन से, मतलब कौन से तारीख से, आज आठवां दिन हो गया, 24 दो तारीख से, मतलब दो तारीख से जो अनशन पे रहे हैं यहाँ पर, आज हमारे माननीय जो हैं ये संदेश लेके आए हैं कि जल्दी ही जो वार्ता होगी मुख्यमंत्री जी से, ये आश्वासन पे ही यहाँ पर अब अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार तो हैं, मगर हम लोग वायदा भी चाहते हैं साथ ही साथ कि जिन जायज मुद्दों को लेके हमारे ये सब बच्चे जो धनबाद बोकारो से इतना कष्ट है कि इतना लंबा सफ़र तय करके आए और यहाँ पर हर एक वो झारखंडी इनके साथ जुड़ा हुआ है,
हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी जायज मांगे हैं स्थानीय नीति का जो खतियान आधारित हो और नियोजन नीति भी उसमें भी प्राथमिकताएं जो हैं वो निर्धारित होनी चाहिए, भाषा नीति भी निर्धारित हो वो बहुत ही आवश्यक है आज इस जो एक जो जिस तरह का समय आया है, तो भाषा नीति ताकि नौ झारखंडी भाषा या झारखंडी भाषाओं के अलावा और कोई झारखंडी गैर झारखंडी भाषाओं का यहाँ पर अस्तित्व ना बने और साथ ही साथ घुसपैठ ना हो और साथ ही साथ उद्योग नीति जो है वो भी बने। हम आप लोग सभी चाहते हैं कि आप लोग आप देख सकते हैं पानी पिला के विधायक मथुरा महतो पानी पिला के अनशन को टलवा रहे हैं। आप देख सकते हैं अनशन खत्म हो चुका है, उनको आश्वासन दिया गया है कि दो से चार दिन के बाद आपको मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा। है कि अपने राज्य में ही अपने राज्य के अधिकारों के लिए राज्य की सड़क पर आंदोलन करना पड़ता है, ये बहुत दुखदायी है। पानी पीकर तोड़ा मिलने की बात हुई है, मुख्यमंत्री से मिला है, अपने पानी पी के अनशन तोड़ा, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन देखिए, चूंकि इन लोग पहले भी कल भी मैंने अभी बताया भी कि लोविंदा भी आए थे मथुरा भाव, इन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और चूंकि भूखे रह के आंदोलन और लड़ाई नहीं लड़ना है, इसको और आंदोलन को तेज करना है। तो उन लोगों ने अभी आप लोगों के सामने भी कहा कि दो से तीन दिनों में हम लोग चलते सत्र में माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, तो आप लोग अपना सेहत का ख्याल कीजिए। चूंकि जहाँ से हम लोग आए थे घर से भी बार बार विधायकों के पास फ़ोन आ रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो सबका सेहत वगैरह देखते हुए हम लोगों ने अनशन तोड़ा है और इन विधायक जी लोगों ने स्पष्ट कहा है कि तीन से चार दिनों में हम मिलवाएंगे और मिलेंगे और ये आंदोलन अभी और तेज़ होगा। जब तक 32 की खतियान लागू नहीं होगी तब तक हम लोग इस आंदोलन को लड़ेंगे और 660 जो गजट संख्या है जब तक ये निरस्त नहीं होगा हम लोग इस आंदोलन को लड़ेंगे। नहीं, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, जिस दिन वो समय देंगे उस दिन हम लोग यहाँ पे आके मिलेंगे, कल सुबह हम लोग यहाँ से जाएंगे, चूंकि रात है, रात में अभी जा नहीं सकते, कल सुबह हम लोग यहाँ से घर जाएंगे, तब हम लोग आएंगे। जितने तो आंदोलन और तेज होगा, बोले तो कि आंदोलन रुका नहीं है, हम लोगों को संदेश पहुंचाना था माननीय मुख्यमंत्री तक, तो हम लोगों ने संदेश पहुंचाया है, हम लोग पैदल चल के आए यहाँ पे रहे, आप लोगों ने देखा है कि ये व्यवस्था भी किन्हीं के द्वारा किया गया है, हम लोगों को खाने का ठहरने का सारा चीज़ का व्यवस्था था, लेकिन चूंकि जो संदेश हम लोगों को पहुँचाना था पहुँचा दिए। आज माननीय विधायक लोगों ने भी मुख्यमंत्री को कहा है कि वो लोग आके हम लोगों से मिले, तो अब उनका अपना ये है कि वो नहीं मिले हैं, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि दो से तीन दिनों में वो मिलवाएंगे और हम लोग अगर यहां से घर जा रहे हैं तो फिर मिलेंगे और उसके बाद आंदोलन तेज होगा, बिना 32 का खतियान का ये चीज होना नहीं है, लेकिन सबका सेहत देखते हुए, क्योंकि आज 6 दिन था, सब युवा थे, सबका घर से फोन आ रहा था, तरह तरह की बातें हो रही थी और सरकार की स्थिति को देखते हुए, चूंकि उन्होंने कहा कि पहले ताकतवर बनो, भूखे रहोगे ऐसे रहोगे तो आंदोलन कैसे लड़ पाओगे, तो इसीलिए अनशन को तोड़ा गया है, यह आंदोलन हमारा टूटा नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और नहीं मिले तो आंदोलन हमारा होगा, कल बैठ के कमेटी निर्णय लेगी, उसके बाद पूरे राज्य में फिर जिस तरह से आंदोलन चल रहा है आंदोलन होगा। अनशन काम किया विधानसभा में, अभी आवाज़ तो उठी कि भाई लड़के चल के आए हैं, पूरा राज्य जल रहा है, पूरा राज्य आज चाहे संथाल हो, चाहे कोल्हान हो, चाहे पलामू परमंडल हो, दक्षिणी छोटा नागपुर हो, उत्तरी छोटा नागपुर हो, चारों परमंडल में आग जल चुका है और सबका एक ही मांग है कि खतियान खतियान खतियान, तो खतियान के बिना कोई समझौता नहीं होगा। आपने अनशन तोड़ा, आपको कैसा लग रहा है? सिंपल सी बात है, अच्छा ही लगेगा और जितने भी विधायक जी आए थे सबों का कहना था कि हम जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, तो खुशी है। और आप लोग घर कब तक जाइए? आंदोलन तो जारी रहेगा, ऐसा नहीं कि आंदोलन अभी 32 तो बाकी ही है, लेकिन हम सब तो आज आमरण से हम सबों का टूटा जो 23 लोग थे और आज घर जाएंगे, कल तक जाएंगे, बट हम लोग का जो अनशन तो ख़त्म हो गया, बट जो 1932 की लड़ाई है वो तो जारी रहेगी, आंदोलन पूरा जारी रहेगा। देखिए निश्चित रूप से सरकार को ये झारखंडी जनता के जनभावना के अनुरूप ये मुद्दे हैं, जनमुद्दे हैं, इसलिए सरकार को पूरी संवेदनशीलता के साथ इन विषयों को अपने जेहन में लेते हुए शीघ्र से शीघ्र इन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये मामले सड़क में भी हैं, सदन में भी हैं, आज विधानसभा घेराव भी था, हजारों की संख्या में लोग आए थे,
और कहीं न कहीं ये सड़क से सदन तक ये मामला है और कई मुद्दों पर स्थानीयता के मामले में कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी का आश्वासन भी आया था। उन्होंने कहा कि विचार करेंगे लेकिन विचार करने का वक्त नहीं, निर्णय लेने की आवश्यकता। देखिए निश्चित रूप से सरकार का एक सकारात्मक आश्वासन आया है, झारखंड की जनता उम्मीद करती है कि शीघ्र ही इन विषयों पर सरकार निर्णय लेगी और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मथुरा बाबू आए हैं, कल लोबिंद आए हुए थे। निश्चित रूप से इन लोगों के साथ आज जो आप यहाँ पर अनशनकारी हैं इन लोगों के साथ सकारात्मक बात होगी, सकारात्मक आश्वासन के साथ सकारात्मक परिणाम निकलेगा। देखिए हम लोगों का जो बात है वो आंदोलनकारी के समक्ष रखने का, आंदोलनकारी अगर हम लोग पर विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन आज समाप्त होगा। आज का ये कार्यक्रम देखिए, युवा आज हमारा राज्य का जागरूक है और जागरूक है तभी इन सब बातों को आज एकदम जनमानस में फैला हुआ। और इसके पहले आपने देखा होगा 2018 में पूरे राज्य में इस भाषा को लाया गया है, उस सरकार में हमारी सरकार है कि कम से कम इस पूरे राज्य से सभी जिला से इस भाषा को हटाया गया। हाँ अभी अब दो जिला बचा वो भी हटेगा पारी 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 से, लेकिन हर जिला से इन सब तीनों भाषा जो यहाँ के बोली जो उसको प्रवासी भाषा कहा जाएगा वो यहाँ का मूलभाषी भाषा नहीं। तो आपने देखा कि इन लोगों ने अनशन तो तोड़ दिया है और सारे विधायकों ने इन्हें आश्वासन दिया है कि ये लोग 2-3 दिनों में मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे ज़रूर और इन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। और आप जो ये रथ देख रहे हैं ये रथ कल सुबह रवाना होगी बोकारो। जुड़े रहे हमारे साथ जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।